हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टेक्निकल सोयल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं, ये जार में जो है बुश कट गया है। इसमें देख सकते हो आप कितनी पिले है। तो आइए आज हम आपको इसको रिपेयरिंग करके दिखाते हैं कैसे रिपेयर होगा ये। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बुश निकाल लेंगे। और ये देख सकते हो ये टूल हैं सारे। और अगर आपको टूल चाहिए तो हमारे पास सारे टूल भी मिल जाएंगे, हम आपको भेज भी देंगे, आपको रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम इसकी कपलिंग का नट जो है वो घूम रहा है, तो इसकी जो है इसकी शाफ्ट भी जो चारों तरफ से वो चौकोर होती है ना, वो गोल हो चुकी है। तो इसकी हम शाफ्ट भी चेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका जो है ये कपलिंग तो फ्री नहीं है, ये शाफ्ट इसकी कट गई है तो वो फ्री हो गई है। तो पहले हम यहाँ से इसका नट खोल लेते हैं ये, और ये अब ब्लेड निकल गया हमारा। आपको दिखाते हैं हम ये शाफ्ट कैसे कट गई है। इस शाफ्ट को निकालते हैं अभी हम, फिर आप देख सकते हो ये कैसे कटी है। और ये देख सकते हो आप, हम ये शाफ्ट निकाल लेते हैं पहले इसकी, लेकिन काफ़ी जाम है शाफ्ट, तो बहुत ही परेशानी होगी इसकी शाफ्ट निकालने में। और अगर ये इतनी आसानी से ना निकलती हो तो थोड़ा सा आप इधर से ऑयल डाल सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा ये फ्री हो जाएगी शाफ्ट। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और जैसा कि शाफ्ट ये निकल गई यहाँ से, तो अब हम इसका बुश ये देख सकते हो, जो शाफ्ट मैं कह रहा था ये शाफ्ट बिल्कुल गोल हो चुकी है यहाँ से। और जबकि आपकी कोई नई शाफ्ट अगर होगी तो आप देख सकते हो उसमें ये कट होते हैं, ये जो उसी ब्लेड में, जैसे कि ये ब्लेड है तो ये ब्लेड में ये इतनी आसानी से ये इसी में फंस जाता है, लेकिन उसके कट ये गोल हो चुके थे इसलिए ये ब्लेड फ्री हो गया था। और ये देख सकते हो आप भाई कि ये जो फ्री हो गई थी तो इसे खोलने में बहुत ही परेशानी हुई, पर ये खुल चुकी है हमारी कपलिंग और इसे हमने खोल ली है। क्योंकि जैसे कि देख सकते हो आप, ये कपलिंग हमारी खुल चुकी है। और अब हम इसमें पहले देखते हैं इस ब्लेड में, सबसे पहले तो ये ब्लेड टाइट कर लेते हैं इसका। तो अगर आप ब्लेड नहीं टाइट हो पाता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक या दो वार्सल रख सकते हैं, उसके बाद ये ब्लेड का नट टाइट कर देना है आपको। कि हमने एक वार्सल रख लिया है और बेहतर है अगर आपके पास, और इसको अब हम नट को पहले तो टाइट कर देंगे। और ये देख सकते हो ये नट टाइट हो चुका है इसमें। ये नॉर्मल वार्सल हमारे पास था, लेकिन इसमें यही नट वार्सल लगा हुआ था, तो हमने सोचा लाओ यही वार्सल लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये सही से टाइट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अब इसका हम बुश चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसका बुश भी बहुत पिले है इसमें, तो इसका बुश भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम बुश को चेंज कर लेते हैं और देखते, और इसका हम पहले तो बुश निकाल लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको निकाल के। ये देख सकते हो इसका बुश निकल चुका है इसमें से, और ये बुश लगा था हम दूसरा बुश, लेकिन ये कैसे लगेगा। और चलिए हम अपने ये नया बुश लगा लेते हैं इसमें पहले तो। और ये हमारा नया बुश लग गया है। ये हमने इसकी शाफ्ट देखते हैं अब हम, जो ये ब्लेड में शाफ्ट लगाई थी नहीं, इसमें आसानी से लगती है नहीं लगती है, लग गई है, लेकिन इसमें बहुत तली से चिपका हुआ है अभी ये
बिल्कुल लड़ सा रहा है, तो इसमें जो है हमें एक दो वार्सल लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलिए इसमें एक दो वार्सल लगा लेते हैं और ये अब सेट हो गया इधर बिल्कुल सही से। और नीचे अब हम ये क्या करेंगे, जैसे इतनी इसमें इतनी काफ़ी जगह बाकी है, तो इसमें तो हम पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जो ये बहुत ही फ्री हो जाए। तो हम पहले ये स्प्रिंग लगाएंगे इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें एक वार्सल, ये स्टील का वार्सल आता है, आप ये स्टील का वार्सल रख के और इसको टाइट कर सकते हो आराम से। तो देख सकते हो आप ये जार हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसे थोड़ा सा टाइट कर दें और ये बम्बू हटा देता हूँ मैं। और ये अब हम ये हमारा जार बनके हो गया। इसमें थोड़ी हमने स्प्रिंग लगाई है तो वो जहाँ पे सेट होना होगा बड़ी आसानी से मिक्सी में जैसे रखेंगे वैसे सेट हो जाएगा। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।